संघर्ष करने के बाद वो दो दो बार एंट्री रहे, हमें बड़ी खुशी हुई कि वो हार कर नहीं, वो जीत के किसान हिमाचल हमारा लिख देंगे, बोल देंगे फोन करेंगे। बहुत बड़ी क्षति को पूरा करना बहुत मुश्किल और असंभव है, हमारे नजरबानी करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चाय पीना, चाय चाय। मौलाना इशरुल्लाह कासमी साहब एक पाक साहब छवि के रहे, आलिम भी रहे, दीनी काम भी रहा और तालीमी काम भी उनका रहा, इसलिए चीज़ बुलाना मुश्किल है। हम लोग जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ उनके लिए बोल रहे हैं, ये कोई दिखावा चीज़ नहीं। इसलिए अभी इस दुख की घड़ी में उनके अहले खाना के साथ हम लोग पूरी जदी वो परिवार खड़े हैं। जनाब अशरफुल्लाह कासमी साहब सियासतदान के अलावा हम लोगों के गार्जियन भी थे और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला एक खास इंसान थे और उनके साथ रहकर हम लोगों को सीखने का मौका मिला कि इंसानी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है और लोगों की कैसे मदद की जाती है। आज वो हमारे बीच नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हैं, हम लोग भी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे और उनके खानदान वालों को ये दुख झेलने का अल्लाह पूरी तरह से अल्लाह की तरफ से मदद करें, यही हमारी दुआ है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम लोग जो उनके साथ रहे हैं और जो मौका मिला है सीखने का, उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि उस तरह का काम करके इलाके के लोगों को हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करें, ताकत दें। और उनका जो विजन था, लोगों से भी गुजारिश है कि उनका जो विजन था सियासत के अलावा कि लोग यहाँ तरक्की करें, किस तरह से तरक्की करें, उस पर जो उनकी कोशिश थी, उस विजन को एडॉप्ट करके उस पर काम करना।